स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और युवा वैज्ञानिक प्रज्वल प्रताप सिंह ने 75 वैज्ञानिकों की मदद से एक शोध में ये बात साबित की है। शोध में 100 लोगों पर किया गया, ये सभी कोरोना की पहली लहर से संक्रमित थे। इसके बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ने से हार्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो सकती, इसके लिए वैक्सीन ही असरदार है। उत्तर प्रदेश की वैक्सीनेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त सभी को वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग तारीख दी जाएगी। अभी तक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता नहीं थी। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लिया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में एक अच्छी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के ITBB रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरुआत कर दी गई है। इटली के राजदूत ग्रेटर नोएडा के ITBB रेफर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट एक समय में 100 से अधिक बेडों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। रायबरेली के सलोन विधानसभा से BJP विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर कोरी का शुक्रवार को संक्रमण के चलते निधन हो गया। 64 साल के दल बहादुर कई दिनों से कोरोना के संक्रमित थे। हालांकि पिछले 19 अप्रैल को लखनऊ के SDPGI हॉस्पिटल ने उन्हें कोरोना से मुक्त करते हुए डिस्चार्ज कर दिया था। पिछले 7 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ। गाजियाबाद के 47 बटालियन के लिए जा रहे PAC ट्रक बेकाबू होकर फिसल पलट गया, जिसमें 15 से ज़्यादा जवान घायल हो गए। इस हादसे में दर्जन भर जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।